कोर्ट ने कहा है, उसके अलावा कब अगली हियरिंग होगी, किस तरह का बेंच बनेगा? अगली सुनवाई 21 तारीख को है, मैं इस पर साफ कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड़ कटाई पर रोक लेनी चाहिए और यथास्थिति बनी रहे, यथास्थिति बने रहे कि कई मायने हैं, वो सिर्फ पेड़ कटाई तक सीमित नहीं है, वहाँ जो भी काम चल रहे हैं सब पर रोक लगनी चाहिए। और हमें अपेक्षा है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद कम से कम सरकार इस पर रोक लगाए। हमारे कुछ दोस्त काफ़ी लंबे समय से इस आंदोलन में थे, इस पेड़ कटाई के आंदोलन के खिलाफ। जहाँ कार शेड बनना है उसके अवैज में 8 वैकल्पिक और जगह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के पिटीशन में भी ये था कि 8 वैकल्पिक जगह और है जहाँ ये लगा सकता है। विरोध में तो नहीं है ना? नहीं, डेवलपमेंट और जो पर्यावरण संरक्षण है वो हैंड इन हैंड होना चाहिए, बट हम कारशेड और ये डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कारशेड बनना चाहिए, मेट्रो जब बननी चाहिए, क्योंकि हमें पता है मुंबईकर्स को प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग करने में, ऑटमोस्ट नीड है मेट्रो का। हम मेट्रो के खिलाफ नहीं है, बट कारशेड जहाँ पे बन रहा है एरे के पास में वहाँ पे नहीं बनकर जो 8 और वैकल्पिक जगह दिए गए, जहाँ महालक्ष्मी रेस कोर्स है, धारावी है, और जी पोर्टलैंड के जितने भी एरिया जो वैकल्पिक जगह में है वहाँ पर उसे स्थानांतरण किया जाए। क्योंकि केवल अगर अभी रख देते हैं तो मेट्रो केवल 10 साल 5 साल की बात तो है नहीं, मेट्रो का जो कारशेड है वहाँ से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जो केमिकल्स हैं वो नदियों में जाएंगे, उस आसपास में लोग कह रहे हैं कि केवल 2% उसका यूज़ किया जा रहा है, बट उसका जो प्रदूषण है वो उसको हानि कितना करेगा, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का कारशेड रहता है, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो और भी उस एरिया को ख़राब करेगा। तो ज़्यादा बेटर है जो वैकल्पिक जगह जो हाईकोर्ट के पिटीशन में भी मेंशन किए गए हैं उस जगह पर उसे स्थानांतरण किया जाए, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। एक परसेप्शन जो सबका ये बना हुआ है कि हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं, इससे डेवलपमेंट होगा, ठीक है डेवलपमेंट होगा लेकिन किस कॉस्ट पे? हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं? ये एनवायरनमेंट का कॉस्ट वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट वो चीज़ को जिसको हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते ओवर टाइम में। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि एरे फॉरेस्ट की जगह हम लोग ज़्यादा जगह पेड़ लगा देंगे। एरे फॉरेस्ट जो है वो लंग्स है, मुंबई का उसको लंग्स बोला जाता है। अब हम लंग्स निकाल देंगे और उसके बाद 3-4 जगह ट्रांसप्लांट करके अलग अलग ऑर्गन्स लगा देंगे जिससे कि बॉडी में ब्लड प्यूरीफाई हो, तो सोल्यूशन नहीं है। तो और ये सब चीज़ हमेशा से होता रहा है, जहाँ पे भी डेवलपमेंट के नाम पे सब हुआ है, नेचर को चैलेंज किया गया है, वहाँ पे नेचर ही जीता है। कभी भी ये चीज़ हुआ है, चाहे वो आपका केदारनाथ ट्रेजिडी का बात कर लिया जाए, चाहे वो पटना में भी जो बाढ़ आया है वो हो गया। अब एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार मुहिम चला रही है, करोड़ों रुपये सिर्फ एड्स पे खर्च किए हैं कि हम 33 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट, और एक तरफ जो मुंबई जैसे एक शहर में जहां बहुत कम नेचुरल फॉरेस्ट ऐसा कुछ बचा हुआ है उसको ख़त्म करने पे तुला हुआ है। ये कितना डिस्ट्रक्टिव है कि जब आगे कभी बाढ़ आए तो हम उसको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मुंबई को आके डिस्ट्रक्ट करिए। अभी बीते दिनों में मुंबई का क्या हाल हुआ हमने सब देखा है कि कैसे वहाँ पानी घुस गया, और मुंबई जिसको रात दिन रात जागने वाली मुंबई कहते हैं वो कैसे रुक जाता है। तो एराई के जो एराई फॉरेस्ट है उसके कटने से सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा होगा कि वहाँ का फ्लोरा फूना पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुंबईकर्स नशे का मतलब जो धुआं है वो काला धुआं लेंगे, उनके लंग्स को प्रभावित करेगा। और ये कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि एक बात जो शायद नहीं हुई है वो कोर्ट ने जो आज जो कहा है, एक तो है कि स्टेटस को मेंटेन हो, ये कहा पेड़ और ना काटे जाएँ, वैसे तो काफ़ी पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं, उसके बावजूद ये कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा कब अगली हियरिंग होगी, किस तरह का बेंच बनेगा? अगली सुनवाई 21 तारीख को है, मैं इस पर साफ कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड़ कटाई पर रोक लेनी चाहिए और यथास्थिति बनी रहे, यथास्थिति बने रहे कि कई मायने हैं, वो सिर्फ पेड़ कटाई तक सीमित नहीं है, वहाँ जो भी काम चल रहे हैं सब पर रोक लगनी चाहिए। और हमें अपेक्षा है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद कम से कम सरकार इस पर रोक लगाए। और आप लोगों के कुछ साथी थे जो डिटेन भी हुए थे उनके? हाँ, हमारे कुछ दोस्त थे मुंबई में, कपिल थे, शोशी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, वो वाइट फॉरेस्ट के भी लोग थे, तो वो सारे लोग एक साथ इस कटाई के खिलाफ गए थे वहाँ पे। रात में उन्हें डिटेन कर लिया गया था और करीब 2 या 3 बजे उन्हें अरेस्ट करके जेल में थाने ले गया। अगले दिन सुबह में 10 बजे के आसपास उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें अरेस्ट में पकड़ाया गया, और वो कल रात में छूटे हैं। हमारे जितने भी साथी थे उनके छूट गए, कल रात में 12 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। वो अपनी परीक्षा देंगे, उनके एग्जाम्स थे आज, वो सब एग्जाम्स देंगे, उनको बेल में जैसे छोड़ा गया है, और वो अपना संघर्ष जारी रखें। कोर्ट ने भी कहा कि जिन्होंने नहीं छोड़ा गया उनको भी छोड़ दिया है। आज ये कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा भी है, ऑर्डर का भी है। गवर्नमेंट ने जो कानून लगाया, धारा लगाई, वो क्या है, उनका कितना असर होगा? आईपीसी का धारा उन पे लगा है 353,
जो 352 भी लगा है और कुछ में नॉन बेलेबल ऑफेंस भी लगे हैं उनके, थ्री नॉन बेलेबल ऑफेंस लगे कि उन्होंने असॉल्ट किया है, और हालांकि उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे कोई आतंकवादी या कोई बड़ा चोर गुंडा ऐसे पकड़े जाते हैं। वो तो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हर किसी का हक होना चाहिए, बट वो तो प्रोटेस्ट करने गए और उन्हें वहाँ की जो लोकल मुंबई पुलिस है वो उन्हें पकड़ ली। और जैसे कि हम देखें कि जब अमेजॉन फॉरेस्ट में आग लगा था तो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर से ऐसे ट्वीट किए गए थे कि वी शुड सेव द एनवायरनमेंट और हमें एनवायरनमेंट का संरक्षण करना चाहिए, और आज जब उनके खुद के घर में जो लंग्स कहा जाता है एरे फॉरेस्ट को, जब वहाँ बात आई तो वो खुद जो बच्चे प्रोटेस्ट करने गए उनके खिलाफ केस लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और ये भी कब हुआ, जब हम कल शाम से दबाव बना रहे थे और मीडिया में जब ये बात चलने लगी उस दबाव में सरकार ने उन बच्चों को छोड़ा है। तो दोस्तों आपने जैसा कि सुना और देखा कि ये इतनी बड़ी लड़ाई किस तरह से कुछ चंद स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स मिलकर, और जो मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे पुणे से हो, देश भर के जो लॉ स्टूडेंट्स, उन लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। अभी जो अमन ने जो जिक्र किया कि किस तरह मुंबई पुलिस अमेजॉन फॉरेस्ट को लेकर, वो ट्वीट मैंने भी देखा 28 अगस्त का वो ट्वीट था जिसमें मुंबई पुलिस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बन रही है कि सेव अमेजॉन, और वही मुंबई पुलिस जब सेव आरे की बात आती है तो जो लोग कह रहे हैं सेव आरे उनको किस तरह से ट्रीट कर रही है। आपने बताया कि हार्ड कोर क्रिमिनल्स की तरह वो मुंबई पुलिस उन लोगों को ट्रीट कर रही है जो आरे के जंगलों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुंबई पुलिस अमेजॉन फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। ये हिपोक्रेसी सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं, यहाँ पे हर सरकार में, सत्ता में, विपक्ष में, राजनीतिक दल कईयों की हिपोक्रेसी उजागर हुई है पूरी तरह से। हमने देखा शिवसेना किस तरह से विरोध कर रही है इस पूरे मामले में लगातार। जी, आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, वो कह रहे थे कि इसके खिलाफ हम हैं, इनकी खुद की म्युनिसिपल अथॉरिटी है, उनकी खुद की सरकार भाजपा के साथ चल रही है, इतने ही कंसर्न थे तो अलायंस तोड़ने आने वाले समय। एनवायरनमेंट मिनिस्टर उनकी पार्टी का है, उनके पार्टी का है, पर्यावरण मंत्री जो है, कल मैंने देखा, आप भी जाइए आदित्य ठाकरे के ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने एक ट्वीट पिन कर रखा है, हो सकता है हटा दिया हो सकता है, वो जो पिन ट्वीट है उसमें उन्होंने रामदास कदम जी को बधाई दी है प्लास्टिक पर जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके लिए, और बोला है कि हमारी पार्टी के मंत्री हैं और हमने इनको ये सुझाव दिया था और इन्होंने ये काम कर दिया। अब उनके पहले ही ट्वीट में आपको पता चल जाएगा उन्होंने टैग किया हुआ है रामदास कदम को, जाके देखिए रामदास कदम किस पार्टी के मंत्री हैं, उनको बताइए आदित्य ठाकरे को कि वो जो इतना विरोध कर रहे हैं आर्य फॉरेस्ट के समर्थन में, जो इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने पर्यावरण मंत्री को कहे ना कि कोर्ट में जाके ये क्यों बोल देते हैं कि आर्य फॉरेस्ट फॉरेस्ट ही नहीं है। तो आप तो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे ही ऐसा आर्गूमेंट दे देते हैं कि बाकी सारे आर्गूमेंट्स धूमिल हो जाए। तो इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये इस मामले ने राजनीतिक दलों के, ट्रेडिशनल कई पार्टियों के नेताओं की हिपोक्रेसी को पूरी तरह से उजागर करके रख दिया है, और साथ ही साथ ये भी साबित किया है कि कोई भी रियल चेंज जो हमारे देश में आ सकता है वो सब यूथ ड्रिवन, स्टूडेंट ड्रिवन होगा। आपने देखा कि किस तरह वो स्टूडेंट्स जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी लड़ाई को एक आंशिक चीज तक तो कम से कम जरूर ला दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इनका समर्थन करेंगे, उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे, शिकार नहीं होंगे जिससे इनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, और सब मिलजुल के इनका हौसला अफजाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब इनसे प्रेरणा लेके हम सब आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।